पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हमला हुआ है, क्रिश्चियन कॉलोनी में यह हमला हुआ है। दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है, कुछ लोगों के भी मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी ऑपरेशन जारी है। 6 से 7 आतंकी क्रिश्चियन कॉलोनी में घुसे थे। पाकिस्तान के पेशावर का ये पूरा मामला है जहां बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्रिश्चियन कॉलोनी का ये पूरा मामला है जहां दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है, कुछ लोगों के भी मारे जाने की आशंका है इस पूरे हमले में। हालांकि अभी जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। 6 से 7 आतंकियों की संख्या बताई जाती है जो इस रिहायशी इलाके में घुस गए थे। तो ये जब दहशतगर्द एंटर हुए हैं तो फिर सबसे पहले आर्मी की क्विक रिएक्शन फोर्स ने रिएक्ट किया और उनको न्यूट्रलाइज किया। बहुत शुक्रिया राणा साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्दों का हदफ क्रिश्चियन कॉलोनी था और क्विक रिएक्शन फोर्स ने बरवक्त कार्रवाई की, पाक फौज की, और बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई से बचाया। 6 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है, हलाक किया जा चुका है। और ये दहशतगर्द थे जो कि एक साथ ही अंदर दाखिल हुए थे। इनके पास भारी तादाद में असलहा भी मौजूद था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थे वहाँ पर, तैयार थे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, किसी भी हमले से निपटने के लिए। इसीलिए दहशत गर्दों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। 6 दहशत गर्दों को मारा जा चुका है। अब रेस्क्यू अहलकार भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं, एम्बुलेंसेज भी पहुँच चुकी हैं, और अब कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि मजीद कोई दहशत गर्द ना हो, कोई पहले से इक्का दुक्का दहशत गर्द यहाँ पर मौजूद ना हो और किसी घर में वो बैठे हुए छुपे हुए ना हों। उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और ये सर्च ऑपरेशन इसी सिलसिले में किया जा रहा है। लेकिन जो दहशत गर्द अंदर दाखिल हुए थे, 6 दहशत गर्द अभी तक बताए जा रहे है, उन 6 के 6 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने मज़ाहमत भी उन्होंने की, फायरिंग भी की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, लेकिन जानी नुकसान से बचा लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बड़ी तादाद में जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन बरवक्त कार्रवाई की गई क्विक रिएक्शन फोर्स की जानिब से। महमूद जान बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बाबर साहब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या इत्तलात है, अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है? जी देखें, अभी मेरे एक पुलिस के आला अफसर से बात हुई है जो खुद इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि इलाके में जो नुकसान हो सकता था उससे बहुत, यानी खुशकिस्मती की बात है कि उससे बहुत कम नुकसान हुआ है, लेकिन अभी इलाके को क्लियर करने का जो अमल है वो शुरू हो गया है। उनका कहना है कि एक सिविलियन जो है उसकी इसमें वो हलाक हुआ है इसमें, और एक सिक्योरिटी अहलकार जख्मी है, एक पुलिस का अहलकार, उनका कहना था कि वो है, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बात की तो तस्दीक की है कि उन्हें भी ये सरकारी तौर पे ये बताया गया है। जो फौज वहां पे ऑपरेशन कर रही है तो फौज ने वहां पे आने वाले 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, और अभी तक अंदाजा यही है कि इनकी तादाद 6 ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो इर्द गिर्द का इलाका है जिसमें काफी सरकारी लोग रहते हैं, वर्सिक डैम का पूरा अमला यहाँ पे रहता है, तो उनकी तहफ्फुज़ के लिए इर्द गिर्द के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और घरों में भी चेक जा रहा है। लोगों को अभी फिलहाल घरों में, अपने घरों में रहने का कहा गया है कि वो अपने घरों से ना निकलें, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई और मौजूद हो तो उससे जो लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उनको घरों में महसूर रहने का कहा गया है और लोग खुद भी बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन इस वक्त इलाके में फोर्सेज ऑपरेशन कर रही है। पेशावर में सूरत हाल ये है कि जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज़ कर दी गई है और अमले को भी बुला लिया गया है, एम्बुलेंसेज को भी एरिया में भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक एम्बुलेंसेस को जो स्पॉट है वहां पर अभी जाने की इजाजत नहीं मिली, और शायद इसकी वजह यही है कि एक तो ज्यादा तादाद में वहां पे कोई नुकसान अभी नहीं हुआ और शायद अभी इन एम्बुलेंसेस की जरूरत भी नहीं, तो इसलिए तमाम लोगों को इलाके से थोड़े से फासले पे रोका गया है कि अगर कोई वहां पे छुपा हुआ हो और वो इनको कोई और नुकसान पहुंचा सके तो उससे उनको बचाने के लिए उनको कुछ फासले पे रोक दिया गया है। अभी कार्रवाई जारी है, फौज भी कार्रवाई में हिस्सा ले रही है, वर्सक डैम का जो अपना अमला है वो भी है, और पुलिस की भी तकरीबन बहुत सारी नफरी इस इलाके में पहुंच गई है, क्योंकि इलाका ऐसा है कि उसके प्रीमिसेस का मसला है। एक तरफ इसमें मोहम्मद एजेंसी है, एक तरफ खैबर एजेंसी है, तो देखें तो वहां पे पुलिस जा नहीं सकती, वहां पे उनकी अपनी फोर्सेस होती हैं, वो भी मूव कर गई हैं इस इलाके की तरफ। एक तरफ पेशावर है तो पेशावर की तरफ से पुलिस ने मूव किया है, तो इलाका जो है वो इस वक्त जितने भी फोर्सेस खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी और पेशावर में इस वक्त काम कर रहे हैं, उन सब ने इस इलाके को घेरे में ले लिया है।
जी। अच्छा, कितने दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तला है? कितने? तो पाकिस्तान के जियो टीवी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है आतंकी हमला। क्रिश्चियन कॉलोनी नाम के रिहायशी इलाके में कुल 6 से 7 आतंकी घुस गए थे। इन सभी आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में एक जो शख्स है, एक सिविलियन है, उसकी भी मौत हो गई है, उसकी भी जान चली गई, एक शख्स हताहत हुआ है। पाकिस्तान के पेशावर का ये पूरा मामला है। अभी सर्च एंड कोमिंग ऑपरेशन जो है वो जारी है, सेना की भी मदद ली गई। और राहत की बात ये है कि जितना नुकसान करने के इरादे से ये आतंकी आए थे, शायद उतना नुकसान ये कर नहीं पाए, उससे पहले ही इन्हें रोक दिया गया। काफ़ी तेज़ी से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जीत भी क्वार्टर्स है, उसके साथ साथ जो अतराफ के इलाकों में भी छोटे छोटे क्वार्टर्स है, जिसमें वर्सक डैम के मुलाजमीन और दीगर एरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग भी यहीं पर मुलाजमीन जो वो रहते हैं। उसके साथ साथ इस वक्त मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑपरेशन पाक फौज की जो BDU टीमें हैं वो इस वक्त तमाम एरिए को जो है वो क्लियर कर रही हैं। जो ज़ेर तामीर इमारत है, जो छोटे छोटे क्वार्टर्स है, तमाम एक एक घरों का सर्च किया जा रहा है। तो जब तक ये एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होता, तब तक कहना कबल वक्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कैमरा दिखाएं कि बहुत नीची परवाज से जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर सर्च जो है वो इस वक्त इस एरिया की सर्वाइलेंस कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूँ कि एक पुलिस एहलकार और एक पाक फौज का एहलकार जो है वो जख्मी बताया जाता है। फौज के आला हुकाम यहाँ पर मौजूद है। फ्रंटियर कोर की टीमें जो है ये या वो भी यहाँ पर ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है और मूवमेंट जो है वक्फे वक्फे से हमें नजर आई। लेकिन गुज़िश्ता 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की मजीद कोई फायरिंग या कोई इस तरह ID वगैरह की किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी गई। तो पाक फौज का ये ऑपरेशन जो है आज जुम्मे को रोज़ दहशतगर्दों ने पेशावर को खून में नहलाने का अज़म किया, लेकिन पाक फौज के बुलंद हौसलों ने जो है दहशतगर्दों के तमाम इरादों को खाक में मिला दिया। जी ठीक है अदनान, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदनान, तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे ऑपरेशन की सूरत हाल से मुतालिक, और आपको ये यहाँ पर बताएं कि पाक फौज ने बरवक कार्रवाई की है, दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है और पेशावर को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया। क्या है, 4 दहशतगर्द इसमें मारे गए हैं। सेंसिटिव ऑपरेशन था जिसके बिना पर हमने ये आपको बराह रास्त मुनासिब नहीं दिखाए और सिर्फ इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती रही हैं वो आप तक पहुंचाते रहे हैं, क्योंकि एक ये सेंसिटिव ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए जो डिटेल्स हम तक पहुंची वही आप तक पहुंचाई गई, ताकि जो है इस चीज़ का ख्याल रखा जा सके कि कोई इसका फ़ायदा ना उठा सके। दहशतगर्दों के अजाइम को नाकाम बना दिया क्या है। पाक फौज की जानिब से बरवक कार्रवाई की गई है। पाक फौज का ऑपरेशन सर्बियाज भी जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है और स्पेशल जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी जारी है। आज पेशावर में दहशतगर्दी का बड़ा जो है वो तो पाकिस्तान के एक चैनल ARY TV की रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा हमला हुआ है, एक रिहायशी इलाके में आतंकी घुस गए, उन सभी आतंकियों को मार गिराया गया। क्रिश्चियन कॉलोनी का ये पूरा मामला है। पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें कि एक नागरिक के मारे जाने की खबर है, लेकिन जल्द ही क्योंकि सुरक्षा बलों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, इसलिए जितना नुकसान करने आए थे शायद उतना नुकसान नहीं कर पाए। सभी आतंकियों को मार गिराया गया है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, इलाके को खाली कराया जा रहा है, कोमिंग ऑपरेशन भी चल रहा है, और हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा रहा है कि सभी आतंकी मारे गए हैं, हो सकता है और आतंकी भी वहां छुपे हों, लेकिन फिलहाल 6 आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें मारे गए हैं, एक नागरिक की भी मौत हो गई है।